लेबनान के अंदर इजरायली हवाई हमले का वीडियो सामने आया है। इजरायल और लेबनान के बीच जंग की वजह से बढ़ा तनाव। होती आतंकियों ने तेल अवीव में दागी मिसाइलें, वहीं इजरायल की एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली ने बैलिस्टिक मिसाइलों को किया नष्ट। वेस्ट बैंक की जेनिन में आईडीएफ और फिलिस्तीनी आतंकवादियों के बीच झड़प हुई, दोनों के बीच एक बार फिर घातक जंग। इसराइल का लेबनान पर हवाई हमला, आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के इलाकों में बनाया निशाना। हमले में 1500 लोगों की मौत, 5000 से ज्यादा लोग जख्मी। लेबनान पर इसराइल का हमला, उत्तरी कमान के निर्देशन में वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पिछले दिन लेबनान में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के लगभग 220 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। तेल अवीव में सुनी गई सायरन की आवाज, जंग के बीच इजरायली सेना का दावा, कहा यमन से दागी गई मिसाइल को किया नष्ट। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच वार पलटवार का दौर जारी, हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का नया वीडियो, मिसाइल रॉकेट लॉन्चर से बना रहा निशाना। तेल अवीव में लगातार बज रहे सायरन, यमन से दागी गई मिसाइल को एयर ड्रोन सिस्टम ने किया विफल। हिजबुल्लाह पर इसराइल का हमला जारी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, हिजबुल्लाह की यूएबी इकाई के प्रमुख कमांडर की मौत। यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा प्रमुखों ने फिर उठाई शांति की मांग, इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम को दोहराया। और मिसाइल रॉकेट हमलों के बीच इंडियन आर्मी का ऑपरेशन इसराइल से घायल जवान को रेस्क्यू किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारीफ की, कहा हमारे सशस्त्र बलों पर गर्व। इसराइल से गाजा आए 88 फिलिस्तीनियों के शव सामूहिक कब्र में दफनाए गए, खान यूनिस के कब्रिस्तान में बुलडोजर से खोदी गई कब्र, शवों को प्लास्टिक बैग में लपेट कर किया गया दफन। फ्लोरिडा में तूफान हेलन की वजह से मुश्किलें बढ़ गई, तेज हवाओं की वजह से टांपा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुआ पुल, लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह। फ्लोरिडा में तूफान हेलन ने मचाई जमकर तबाही, पानी का बड़ा जलस्तर, खतरनाक तस्वीरें भी आई सामने, लोगों की जान पर बनी बात। फ्लोरिडा में तूफान का कहर, तेज हवाओं की वजह से हार्वर्ड फ्रैंकलैन ब्रिज को बंद कर दिया गया है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अमेरिका के फ्लोरिडा तूफान हेलन का कहर, भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, आने वाले समय में और भी मचा सकता है तूफान तबाही। उत्तरी थाईलैंड में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हाल बेहाल, कई इलाकों में पानी भर गया, पानी में डूबा नजर आया थाईलैंड। मैक्सिको में तूफान जॉन ने मचाई भारी तबाही, भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन, लोगों को पहाड़ी क्षेत्र में नहीं जाने की दी गई सलाह। मैक्सिको में तूफान हेलन का कहर, तेज हवाओं से कई घर टूट गए, बाढ़ में आम जनजीवन बेहाल बताया जा रहा है, 70 उड़ाने रद्द। मैक्सिको के अकापुल्को शहर में बाढ़ से बुरे हालात, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान। मैक्सिको के अकापुल्को में बाढ़ ने मचाई तबाही, पानी में तैरती नजर आई कारें, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त, स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बाघ और भेड़िए का आतंक जारी, बाघ और भेड़िए ने 4 लोगों को बनाया अपना निशाना, घायलों का इलाज जारी, इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के बहराइच में भेड़िए के बाद अब तेंदुए की दस्तक है, खेत में काम कर रहे किसान पर हमला बोलते, गंभीर रूप से घायल किसान को भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 जगहों पर देखा गया तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, कार सवार ने बनाया वीडियो, वीडियो में कच्चे रास्ते पर खेत के जरिए निकलता हुआ दिखाई दिया तेंदुआ। लखीमपुर खीरी में सड़क पर दिखा 10 फीट लंबा अजगर, राहगीरों में हड़कंप मच गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कुकार तेंदुए की दहशत, खेत में काम कर रहे थे किसान, अचानक तेंदुए के दिखने से लोगों में मचा हड़कंप, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। यूपी के सीतापुर में बाघ का आतंक जारी, बाघ ने 2 मवेशियों को निशाना बनाया, गांव में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जंगल से निकले हिरण पर कुत्तों ने किया अटैक, एसएसबी जवानों ने बचाई हिरण की जान। यूपी के शाहजहांपुर में बोरवेल के पास दिखा मगरमच्छ, स्थानीय लोगों ने सूचना दी, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। झारखंड के नेतरहाट में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत, कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकारों के साथ ढोल बजाते नजर आए शिवराज सिंह चौहान। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शिवपुरी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, गंदगी देख मंत्री भड़क उठे, वाइपर उठाकर सफाई करने लगे, सफाई एजेंसी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, वीडियो वायरल।
गुजरात के भावनगर के कोलियाक में यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी। 29 यात्रियों का सफल रेस्क्यू। नदी का जलस्तर बढ़ने से तेज बहाव में फंस गई थी ये बस। उत्तर प्रदेश के बलिया में घाघरा नदी के कटान से खतरा बढ़ गया। स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लोगों ने घाघरा नदी के पास पूजा की। गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के फिरोजाबाद में अस्पताल से चोरी हुई बाइक। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। वीडियो के आधार पर जांच जारी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लकड़ी के शोरूम में लाखों की चोरी को दिया गया अंजाम। चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। चोरों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के सहारनपुर में महिला ने महिला कांस्टेबल की पिटाई कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर में एनसी नेता शेख बशीर ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। कहा झूठे हैं यूपी के सीएम। पता नहीं जनता कैसे कर रही उन्हें सहन। सनातन का अपमान करने वालों पर बरसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहा जिनका सनातन में विश्वास नहीं है वो ना समझी के परिचायक है। जो राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं सनातन में विश्वास नहीं है। सनातन को एक संकट मानते हैं। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का बयान आया सामने। का किसी कार्रवाई का विरोध हमारा मकसद नहीं लेकिन कानून में किसी को ठोकने की इजाजत नहीं। सही मुठभेड़ है तो एतराज का कोई सवाल नहीं। हम मुठभेड़ कहानी झूठी है अगर मुठभेड़ की तो वो निंदनीय है। वो कानून के विरुद्ध है। हम उस तरह की घटना का विरोध करते हैं। आज ही होगा दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने देर रात निर्देश जारी किया। दोपहर 1 बजे कराना होगा चुनाव। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर साधा निशाना और पूछा क्या आफत आई जो रात में स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के आदेश दिए। दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर बीजेपी पर सिसोदिया का हमला। कहा दिल्ली नगर निगम में बीजेपी कर रही लोकतंत्र की हत्या। बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। कहा दिल्ली महापौर ने की लोकतंत्र की हत्या। हमारे ऊपर लगा रहे आरोप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा चुनाव से भाग रही आम आदमी पार्टी नहीं चाहती दिल्ली का विकास हो। दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज सीएम आतिशी सत्र को कर सकती हैं संबोधित। हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर जयराम ठाकुर का सुक्कू सरकार पर हमला। कहा मंशा जाहिर है योगी जी की पॉलिसी अच्छी है। विक्रमादित्य को अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए। उसे विक्रमादित्य से कि निकल गया हम मुंह से शब्द निकल गया कि योगी जी ने जिस प्रकार से किया उस तरह से हम करना चाहते हैं। तो मंशा तो जाहिर हुई कि वे पॉलिसी अच्छी है कि विक्रमादित्य जी ने जो बात कही है उस पर उन्हें उनको कायम रहना चाहिए। मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच आज दिल्ली आ सकते हैं विक्रमादित्य। कांग्रेस आलाकमान से होगी उनकी मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट विवाद को लेकर कमेटी का गठन किया गया। स्ट्रीट वेंडर्स के नाम लिखने के आदेश को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं। कैबिनेट में मंथन के बाद होगा फैसला। हिमाचल नेम प्लेट विवाद पर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी का बयान आया सामने। का विवाद पर कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। तब तक विक्रमादित्य सिंह की व्यक्तिगत टिप्पणी समझा जाना चाहिए। जब तक ये कार्यवाही समाप्त नहीं होती है जब तक ये इस अपने उनकी रिपोर्ट सबमिट नहीं होती है तो इस तरह की कोई भी बयानबाजी जो है वो मैं समझता हूँ कि वो व्यक्तिगत टिप्पणी उसको लेनी चाहिए। यूपी में होटल ढाबों के नाम लिखने के आदेश को लेकर एक्शन में अयोध्या प्रशासन। इसे लेकर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। दुकानों पर नेम प्लेट के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है। उत्तर प्रदेश में होटल ढाबों में नाम लिखने के आदेश के बाद एक्शन में यूपी सरकार। लखनऊ में फूड डिपार्टमेंट आज करेगा एक्शन। जहां हुआ आदेश का उल्लंघन वहां नोटिस जारी करेगा प्रशासन। गृहमंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा आज। रेवाड़ी अम्बाला और कुरुक्षेत्र की अलग अलग विधानसभाओं की रैली करेंगे। जम्मू कश्मीर में आखिरी दौर के चुनाव में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कठुआ के बिलावर में करेंगे जनसभा को संबोधित। जम्मू कश्मीर में गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 10 बजे रामनगर उधमपुर में तो दोपहर 12:30 बजे जब कठुआ में रैली करेंगे। बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। तिरुपति मंदिर में प्रसाद को लेकर जारी घमासान के बीच आज जगनमोहन रेड्डी करेंगे तिरुमला मंदिर का दौरा।
दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव आज एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। दिल्ली हाईकोर्ट का डूसू चुनाव को लेकर बड़ा आदेश, जब तक उम्मीदवार पोस्टर पैम्फलेट होर्डिंग नहीं हटा लेते तब तक चुनाव परिणाम की घोषणा पर लगाई रोक। शिमला के संजौली में अवैध निर्माण के खिलाफ आज निकलेगा सद्भावना मार्च, 28 को हिंदू संगठन प्रदर्शन करेंगे। चीनी लहसुन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, यूपी फूड सेफ्टी और ड्रग विभाग की प्रयोगशाला के चीफ को किया गया तलब, मामले पर आज होनी है सुनवाई। केजरीवाल और आतिशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के केस में सुनवाई आज, अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की आज हाईकोर्ट में सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के आरोप पत्र को रद्द करने की मांग को लेकर दायर की थी याचिका। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में होटलों पर नाम लिखने की प्रक्रिया हुई शुरू, खाद्य विभाग ने रेस्टोरेंट पर छापेमारी कर किचन की जांच की, जांच के बाद होटल मालिक और मैनेजर का नाम लिखे जाने का दिया गया निर्देश। जम्मू कश्मीर में तलाशी अभियान चला रही एनआईए, 9 जून को तीर्थयात्रियों की मौत मामले को लेकर चल रही जांच, एक्शन में एनआईए की टीम। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर को किसान नेता अपूर्ण सिंह ने चैलेंज देते हुए दी धमकी और कहा कि राकेश टिकैत से लड़ाई है तो सिसौली आकर दिखाए नंद किशोर, लग जाएगा पता। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई मामले में तूल अब बढ़ता दिखाई दे रहा है, बिहार पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया है, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखा गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अवैध निर्माण को लेकर सड़कों पर बीएचपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग कर, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के संभल में कचहरी परिसर के अंदर पति और पत्नी के बीच मारपीट हो गई, जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार में फिर एक बार खुली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल, सरकारी अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में कराया गया प्रसव, कुछ दिन पहले सीएम नीतीश ने अस्पताल का किया था उद्घाटन। बिहार की सीतामढ़ी में सड़क को चौड़ा करने के लिए चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान, अतिक्रमण की वजह से बनती है जाम की समस्या, अतिक्रमण करने वाले लोगों को चेतावनी दी गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ गोलाबारी में एक तस्कर हुआ जख्मी, पुलिस ने इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। यूपी के बागपत में मुस्लिम युवक ने बच्ची से हैवानियत की कोशिश की, बंदरों ने युवक की हैवानियत से बच्ची को बचाया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में होमगार्ड तिलक सिंह के जमीन पर दबंगों का कब्जा और साथ ही होमगार्ड को दी जान से मारने की धमकी भी, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। यूपी के गाजियाबाद में मौलाना की गर्दन पर छात्र ने चाकू से वार किया, क्यों, क्योंकि बीड़ी पीने से रोकने पर छात्र को गुस्सा आ गया था, पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में लिया। भोपाल में 5 साल की मासूम से रेप की वारदात को दिया अंजाम, फिर हत्या मामले की जांच अब तेज हो गई, एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है, पुलिस ने एक युवक समेत 3 लोगों को धर दबोचा। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकश के बीच मुठभेड़ की खबर, पुलिस की गोली लगने से गौकश समरेस घायल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिखा रफ्तार का कहर, 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर, हादसे में ट्रकों के उड़े पर खच्चे, टूटी पुलिया की वजह से हुआ यह हादसा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सक्तेश्वरगढ़ पहुंचे, स्वामी महाराज के आश्रम पहुंचकर आशीर्वाद लिया, मुलाकात किया, बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में शामिल हुए भारत विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल, मीटिंग में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को बढ़ावा देने पर रखे अपने विचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की, रूस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी समर्थन को बढ़ाने की अपील की, जेलेंस्की ने पोस्ट किया और लिखा कि मैंने उनके सामने जीत का प्लान रखा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे ट्रंप, खुद ही दी जानकारी और कहा कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच समझौता कराने की करेंगे कोशिश। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क का दौरा किया है और सैन्य हमलों को अधिकृत करने की बात कही है, साथ ही हिजबुल्ला के यूएवी इकाई के प्रमुख की मारे जाने की खबर दी। यूके और लेबनान के प्रधानमंत्रियों ने की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट में जारी संघर्षों पर हुई चर्चा, जंग में अब तक हजारों लोगों की हो चुकी है मौत। ट्रंप पर हुई फायरिंग को लेकर जांच तेज, जांच टीम ने घटना के पीछे गुप्त सेवा को ठहराया जिम्मेदार, पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हुई थी, उसके बाद फ्लोरिडा में हमला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस स्टेशन में भीषण विस्फोट हुआ, हमले में कई पुलिसकर्मी हुए जख्मी।
बांग्लादेश के कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनस ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। बांग्लादेश अमेरिका संबंधों को लेकर दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा। बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अमेरिका ने दिया समर्थन। मुस्लिम देशों के समूह ओआईसी ने फिर भारत के खिलाफ उगला जहर। कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर जताई आपत्ति। आतंकवाद के खिलाफ आईबीएस ए देशों ने उठाई आवाज। आतंकी संगठन अलकायदा, लश्कर ए तैयबा, जैश और इनके प्रॉक्सी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान। पेरू में जबरन वसूली से बस चालक हुआ नाराज। वसूली के विरोध में किया हड़ताल का ऐलान। हड़ताल के चलते स्कूल और अस्पतालों पर पड़ा बुरा असर। सूडान के लोगों पर दोहरी मार। गृह युद्ध के बीच हैजा फैलने से सैकड़ों लोगों की मौत। सूडान का स्वास्थ्य मंत्रालय राहत बचाव में जुटा।